नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पास करे में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे एटम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट MCQ थे वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, मतलब एटम बम का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन इज ए मैडम क्यूरी ने, बी मै पीरी क्यूरी ने, ऑप्शन इज सी ऑटो हॉर्न ने और ऑप्शन डी अल्बर्ट ने। तो ये तो क्वेश्चंस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो अब इसको बहुत अच्छे से याद रखना। परमाणु बम मतलब एटम का किसने किया डिस्कवरी, एटम की डिस्कवरी की ऑटो हॉर्न ने की। किसने की? ऑटो हॉर्न ने। मैडम क्यूरी की किसने की थी? मैडम क्यूरी ने भी एक साइंटिस्ट थी, उसने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी की क्या की थी, खोज की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि परमाणु शक्ति से अंतर मतलब क्या है। नाभिकीय पावर प्लांट होता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, मतलब वो कौन सी थ्योरी के ऊपर काम करता है। तो नाभिकीय विखंडन थ्योरी थी, ऑप्शन नंबर ए क्या है, नाभिकीय विखंडन थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, नाभिकीय संलयन। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, तापीय दहन। तो इसमें से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सी रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, ये कौन से सिद्धांत के अकॉर्डिंग काम करता है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या है, नाभिकीय विखंडन। ये कौन सी थ्योरी के ऊपर काम करता है, नाभिकीय विखंडन के ऊपर काम करता है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, परमाणु बम मतलब एटॉमिक बम की खोज किसने की थी, ऑटो हॉर्न ने की थी, और हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या है, एडवर्ड टेलर द्वारा ने, और बी ऑप्शन में क्या है, बर्नर ने, सी ऑप्शन में दिया है जे.जे. थॉमसन ने, और डी में है रॉबर्ट ने। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ए क्या है, एडवर्ड टेलर द्वारा। किसके द्वारा, एडवर्ड टेलर के द्वारा क्या किया गया था, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। हाइड्रोजन बम क्या है, हाइड्रोजन बम एक क्या है, रेगुलरली हाइड्रोजन बम इतनी ये होता है, हाइड्रोजन गैस ही होगी एक किस्म से, लेकिन हाइड्रोजन गैस क्या होती है, सबसे लाइट वेट होती है। क्या होती है, सबसे लाइट वेट, मतलब हम कह सकते हैं कि वो गैस कौन सी है जो सबसे हल्की है, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के बाद में कौन सी गैस आएगी, हीलियम गैस आएगी। तो हीलियम गैस क्या होगी, दूसरे नंबर पे क्या होगी, लाइट वेट, मतलब सबसे हल्की गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन के बाद में कौन सी होगी, हीलियम गैस। क्वेश्चन नंबर फोर अब हम बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, वो क्या है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। पहले तो इसकी खोज किसने की थी, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी, एडवर्ड टेलर ने। किसने की थी, टेलर ने की थी, ठीक है। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, वो कौन सी थ्योरी के ऊपर काम करता है, वो क्या है, अनकंट्रोल नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर, यानी कि अनियंत्रित नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है, ठीक है। किसके ऊपर करता है, अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर काम करता है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा संख्या में समस्थानिक किस के पाए जाते हैं, यानी कि हमने समस्थानिक का जो टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें क्या था, तो पिछली वीडियो में उसमें समस्थानिक में ये पूछा था, मतलब आइसोटोप किसे कहते हैं, यानी विच आर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब समस्थानिक थे। और हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन्स के तीन समस्थानिक थे, कौन कौन से थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, H11, H12, H13, ऐसे ऐसे हमने कुछ पढ़ा था, आपको कुछ याद है, ये क्या था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये क्या थे, तीनों हाइड्रोजन्स के समस्थानिक थे। तो यहाँ सबसे ज्यादा सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा संख्या में समस्थानिक मतलब आइसोटोप किसके पाए जाते हैं, यूरेनियम के पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन बी क्या कहता है, सोडियम में पाएंगे, ऑप्शन सी क्या कहता है, पोलोनियम में, और ऑप्शन नंबर डी लेड में। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, पोलोनियम्स, क्या होगा पोलोनियम। पोलोनियम के कितने पाए जाएंगे, 27, कितने पाए जाते हैं, 27 आइसोटोप पाए जाते हैं पोलोनियम के। ठीक है, यहाँ हमने तो हाइड्रोजन के 3 ही पढ़े थे, लेकिन उससे भी ज्यादा है कौन से तत्व के, पोलोनियम्स के, पोलोनियम के 27 समस्थानिक मतलब आइसोटोप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त के थक्के की स्थिति का पता करेंगे, यानी कि रक्त का थक्का क्या होता है, जो क्या है ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, वो क्या होता है कि हमारी जो वेन है, आर्टरी है, वहां पे क्या कर देती है, एक किस्म से रुकावट पैदा कर देती है। जैसे कि हम क्या है, कोई वाटर पाइप से हम क्या कर रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं, और आगे से हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज आ जाती है, उसके कारण क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा किस पे, मोटर पे, क्यों, क्योंकि वहां पे फोर्स कौन लगा रही है, मोटर लगा रही है। इसी तरीके से हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, हर्ट एक किस्म से क्या है, एक मोटर की तरह करता है काम, कैसे, क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी के पूरी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, ब्लड को पंप कर रहा है, यानी कि हमारी आर्टरी है, वेन्स है, उनमें यदि क्या हो गया, रुकावट पैदा हो जाती है, मतलब थक्का बन जाता है सॉरी थक्का बन जाएगा, तो उस थक्के का पता किसके द्वारा किया जाता है, वो समस्थानिक का क्या नाम है, वो आइसोटोप कौन सा है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी में कहाँ पे ब्लड कोलेटिंग हुए हैं, हुआ है, तो उसके बारे में हम कहाँ से पता करेंगे, सोडियम 24 समस्थानिक का हम यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सी वेन में और कहाँ पे क्या हुआ है, ब्लड क्लॉटिंग हुई है। ठीक है, यानी कि रक्त का थक्का हुआ है, ये रक्त का थक्का क्या है, हमारी बॉडी में होना भी जरूरी चाहिए, क्योंकि यदि हमारी बॉडी में ये रक्त का थक्का नहीं होगा तो बाई चांस आपको कहीं चोट लग जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, ब्लड अनकंट्रोल वे में क्या रहेगा, बाहर रिलीज होता रहेगा, यानी कि उस दौरान आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोटोन। वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे ना, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें प्लीज़, ताकि ये क्वेश्चन सभी आपके दोस्तों तक पहुंच सकें। आइसोटोन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आइसोटोन क्या होता है, आइसोटोन मतलब हमने पढ़ा था आइसोटोप, आइसोबार, अब है आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है, ऑप्शन ए है समान संख्या में प्रोटोन हो गए, ऑप्शन नंबर बी समान संख्या में क्या है, न्यूट्रॉन होंगे, और ऑप्शन नंबर सी संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, समान संख्या में प्रोटॉन होंगे, समान संख्या में न्यूट्रॉन होंगे, क्या होंगे ये बताओ। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा समान संख्या में न्यूट्रॉन, क्यों, क्योंकि समान संख्या में प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन के अकॉर्डिंग, यानी आइसोटोप पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने प्रोटॉन के अकॉर्डिंग था, अब करना था हमें, यानी आइसोटोप में क्या था, प्रोटॉन था, अब क्या है आइसोटोन्स है, आइसोटोन मतलब क्या होगा, न्यूट्रॉन, जिसमें क्या हो दो ऐसे कोई भी तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी ना, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, और उसका एटॉमिक मास है 7। ठीक है, तो यहां से और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास इज 8, तो इसमें से ये दोनों क्या है एक दूसरे के साथ में, इन दोनों को आइसोटोप बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है, आइसोटोप, ऑप्शन नंबर बी क्या है, आइसोबार, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक, और ऑप्शन नंबर डी है सम न्यूट्रॉनिक। तो इसमें से कौन सा राइट होगा, देखो यहाँ पे देखो, पहले तो क्या ये आइसोटोप है, आइसोटोप तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है,
और अभी इनका मास देखो तो इनका एटॉमिक मास भी क्या है, अलग अलग है। तो अब इनमें क्या चीज इक्वल है, तो यहां से हम देखेंगे कि जो लिथियम 3-7 है, ये देखो मैं स्क्रीन को खोल देता हूं, आराम से देख लो चाहे। अब इसमें देखो जो ये लिथियम है, लिथियम 3-7 क्या है, लिथियम 3-7 इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है, और इसमें बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, मतलब जो हम क्या है कैंसर होता है किसी को, तो कैंसर के पेशेंट को जो मेडिसिन दी जाती है, यानी कि जो हम बोल देते हैं देसी भाषा में कि सेक लगा रहे हैं, तो वो सेक लगा रहे हैं तो वो किस चीज की सेक लगाते हैं, सोडियम 24 का यूज करते हैं, कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, या आयोडीन 31 का यूज करते हैं, या आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं। तो हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था क्या था कि सोडियम 24 का यूज किसमें करते हैं, सोडियम 24 का यूज तो हम करते हैं हमारी बॉडी में रक्त का थक्के की पोजीशंस को मेजर करने, सिचुएशन कहाँ पे है जो शरीर में हमारी जो वेन है, वेन में कहाँ पे रक्त का थक्का बन गया है उसका पता लगाने के लिए। और जो कोबाल्ट 60 है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, कोबाल्ट 60 इज द राइट आंसर, क्योंकि कोबाल्ट 60 का यूज हम क्या किसमें करते हैं, कैंसर के उपचार में करते हैं, ठीक है। अब रहते हैं आयोडीन 131 और आर्सेनिक 74, क्या है आयोडीन 131 और आर्सेनिक 74। अब जो ये आर्सेनिक 74 है ना, आर्सेनिक 74 इसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, इसका यूज हम इसके जो आर्सेनिक का समस्थानिक है इसका हम यूज कहाँ कर रहे हैं, ट्यूमर में जब किसी को ट्यूमर हो जाती है तो उसमें उसके उपचार करने में हम किसका यूज करते हैं, आर्सेनिक 74 समस्थानिक का यूज करते हैं। अब रहता है आयोडीन 131 का उपयोग किसमें करते हैं, थायराइड ग्रंथि, जब हमारी जो थायराइड ग्रंथि है ना उसको एक्टिव करने के लिए, हमारी जो गले के अंदर होती है थायराइड ग्रंथि, उस थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करने के लिए हम कौन सी समस्थानिक का यूज करेंगे, आयोडीन 131 का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राइटीनियम क्या है, टी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, मतलब जो हमने पढ़ा था प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हमने पढ़ा था ना, तो ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है वो हमें बताना है। ट्राइटियम का क्या था, H13 और इसको हम बोल देते हैं टी, यहां से हमें पता है कि प्रोटॉन कितना है, 1 है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो यहाँ से न्यूट्रॉन कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि मास क्या होता है, मास न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन्स, तो यहाँ क्या था, मास 3 गिवन है हमें, तो इसी के अकॉर्डिंग यानी कि प्रोटॉन 1 होगा और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन कितना होगा, 2, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा, राइट आंसर इज बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा, मतलब जो हमारी जो एनर्जी आ रही है दिन के टाइम में, मतलब सूर्य से जो एनर्जी आ रही है, तो सूर्य में ऐसी कौन सी रिएक्शन हो रही है जो रेगुलरली हमें एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी का सोर्स बताना है हमें कि वो कौन सी एनर्जी है, तो वो कौन सी एनर्जी है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय विखंडन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है एक्स किरणें का उत्सर्जन से क्या हमें एनर्जी मिल रही है, और ऑप्शन नंबर डी है यूवी रे, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, इनमें से राइट आंसर है बी, कौन सा होगा, नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होती रहती है दिन हर टाइम्स सन के अंदर,
सूर्य के अंदर, उसी के कारण हमें रेगुलरली एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी उनको, उस सब तत्व को हम क्या बोलेंगे, उस तत्व को हम क्या बोलेंगे, क्या ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी समभारिक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर डी सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है ना, तो हम उसको हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आज जितना हमने कोशिश किया न्यूक्लियर के बारे में वो हमने किया, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी किए, परमाणु से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं जिससे हमारे घरों में एनर्जी आ रही है, बड़े बड़े शहरों में यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों में क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके जो दूसरे शहरों में भेज रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा, तो उस पावर प्लांट में कौन सी रिएक्शन होती है, उसमें कौन से कूलेंट यूज कर रहे हैं, मतलब उसको ठंडा करने के लिए, क्या वो उसमें रिएक्शन कंट्रोल वे में हो रही है अनकंट्रोल वे में हो रही है, उसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।